इसराइल के हमलों से दहला लेबनान। लेबनान में इसराइल ने भारी तबाही मचाई है। इस वक्त की अहम जानकारी, दक्षिणी लेबनान और हिजबुल्ला ठिकानों पर हमला किया गया। एक साथ 1600 ठिकानों पर हमला किया गया। महिलाओं और बच्चों सहित 492 लोगों की मौत हो गई। इसराइल के पीएम ने लेबनान के लोगों को मैसेज भेजा है, लेबनान के लोगों से खतरे से दूर रहने का आग्रह किया। बताते चले कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच टकराहट अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। इसराइल ने लेबनान में लाशों का बार लगा दिया। लेबनान में दहशत और भय का माहौल है। लोग अपने घरों से भाग रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को लेकर स्कूलों में शरण ले रहे हैं ताकि इसराइल के हमले से बच सके। दरअसल लेबनान की तरफ से हुए हमलों से बौखलाए इसराइल ने अगले दिन लेबनान पर बम और मिसाइल की बारिश कर दी। हिजबुल्ला के आतंकियों को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइलों ने कई बेगुनाहों को भी अपना शिकार बना लिया। इसराइली डिफेंस फोर्स का कहना है कि सोमवार को उसने दक्षिणी लेबनान और बेका में हिजबुल्ला के 1600 ठिकानों पर हमला किया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल के इन हमलों में अब तक करीब 500 लोग मारे गए हैं, जिनमें दर्जनों महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इन हमलों में 1645 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई।